दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय एक ठोस अवस्था, लेक्चर 15 है। लेक्चर 1 to 14 अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उन सभी वीडियो के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ठोसों में संकुलन, पैकिंग इन सॉलिड्स। जो यहाँ पर वर्ड है संकुलन, संकुलन का मीनिंग आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपने पैकिंग वर्ड बहुत बार सुना होगा। पैकिंग का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं कहीं घूमने जाते हैं तो सामान की पैकिंग कर लो, मतलब सामान को क्या कर लो, जमा लो। तो हम कह सकते हैं जो संकुलन है, संकुलन क्या है, जमा बट। ठीक है दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। ठोसों में संकुलन हम आज पढ़ने वाले हैं। ठोसों में संकुलन दो प्रकार से होता है, एक 2D में और एक 3D में। जो 2D होता है, 2D मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, मैं आपको 2D की डेफिनेशन बता रहा हूँ, और जो 3D मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो या मोटाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम द्विविमीय संकुलन पढ़ रहे हैं। तो द्विविमीय संकुलन में क्या रहता है कि इसमें कोई एक तल में होता है, ठीक है, किसी तल में क्रिस्टल के रचक अवयवों का संकुलन द्विविमीय संकुलन कहलाता है। यह भी दो प्रकार से होता है। देखिए इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से आपको एक ही नंबर के ऑब्जेक्ट आने हैं, बस मैं तो आपको सिलेबस कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, थोड़ा सा पढ़ना है आपको। जो वर्गाकार निविड संकुलन होता है, सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। इसमें डायग्राम में आप देखो, आप कुछ देख रहा होगा, ये मैंने गोले बनाए हुए हैं, ये सर्किल नहीं है, गोले हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि आपको एक कार्टून दिया, ठीक है, कार्टून दिया, उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी बॉल दे दी। ठीक है, वीडियो ख़त्म हो तो मेरी लौटा के जाना। अब देखिए, जो मैंने आपको बहुत सारी बॉल दी हैं वो मैंने आपको जमाने के लिए दी है कि आप इन सभी बॉलों को एक कार्टून में जमा दीजिएगा। तो आपने जमाई हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है कार्टून में आपने बॉलों को इस तरीके से जमाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बॉल है, उसके नीचे बॉल है, फिर उसके नीचे बॉल है, दूसरी बॉल है, दूसरी बॉल के नीचे बॉल है, फिर उसके नीचे बॉल है, मतलब एक क्रम से जमी हुई है। ठीक है, एक के नीचे एक के नीचे एक बॉल जमी होंगे। जैसे आप बॉल जमाओगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप भी होगा, जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, कोई एक पॉइंट मान लेना है। ठीक, कोई भी एक बॉल को आप पॉइंट मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे माना है, इस बॉल को मैंने पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब जब आप इस प्रकार देखेंगे और जो बॉल है उनका जो आकार है समान है, सभी बॉलों का आकार क्या है, समान है। ठीक है, एक ही कंपनी की बॉल है, एक ही ब्रांड है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो बॉल को आपने पॉइंट माना है उस बॉल से चार बॉल कनेक्ट होगी, मतलब चिपकी हुई होंगी। ठीक है, तो जो चार बॉल चिपकी हुई है वो क्या है, उसकी समन्वय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि जो इसकी समन्वय संख्या है चार होती है। समन्वय संख्या मैंने आपको बताया, निकटतम पड़ोसी परमाणु। इसके बाद यहाँ पे देखो जो समन्वय संख्या कितनी हो गई, चार हो गई। अगर आप जो गोले हैं, गोले का जो केंद है, ठीक है, उन केंद को, सभी केंदों को एक लाइन से मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्गाकार निविड संकुलन, या फिर ए टाइप संकुलन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें ए टाइप संकुलन होता है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट बता रहे हैं, उसमें आपको समझ में आएगा, षटभुजाकार निविड संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे और डायरेक्ट समझेंगे। अब मैंने आपको फिर से बॉलें दी हैं, जो उसको दूसरा कार्टून दिया है, आप कुछ इस तरीके से जमाना है। पहली लाइन आपको इस तरीके से, ठीक है, दूसरी लाइन में क्या करना है, जो दूसरी लाइन में आप बॉल जमाओगे उनमें जो गैप है, देखो यहाँ पे जो गैप है, गैप के बीच में बॉल को रखना है। ठीक है, मतलब पहले अपन ने क्या किया था, एक बॉल के नीचे एक बॉल, एक बॉल के नीचे एक बॉल, इस प्रकार से जमाया था, लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसमें आपको जो गैप है, गैप में आपको बॉल को रखना है। तो आपने इस तरीके से रख लिया, तो देखो तभी तो बिल्कुल एक जैसा जमाया था, तो किसी को हम कुछ भी नाम नहीं दे पाए, सबको हमने क्या दिया, ए दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, तो हमने फर्स्ट लाइन को ए दिया, फिर इसको हमने बी दे दिया, फिर ये क्या हो गई, ए हो गई, फिर क्या हो गई, ये बी हो गई। ठीक है, तो इसमें हमने कहा ए बी ए बी। तो अगर हम संकुलन की बात करें तो इसमें कौन सा संकुलन है, ए बी ए बी ए बी। ठीक है, संकुलन कौन सा है, ए बी ए बी ए बी फिर डॉट डॉट। ठीक है, अब देखो आपने इस प्रकार से बॉल को तो जमा ली, लेकिन फिर आपको क्या करना है, एक पॉइंट मानना बॉल को, जैसे मैंने इसको मान लिया, फिर आप देखेंगे कि 6 बॉल टच हैं, उस बॉल से कितनी बॉल टच है, 6, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो समन्वय अंक है षटभुजा का निविड संकुलन में वो कितना होता है, 6 होता है। आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ना आपसे डायग्राम पूछा जाएगा, सीधा पूछ लिया जाएगा बताइए षटभुजा का निविड संकुलन में समन्वय संख्या कितनी होती है, तो आपको बतानी पड़ेगी 6 होती है। ठीक है, तो ये था षटभुजा का निविड संकुलन।